प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी acceleration due to gravity and height. Establish the relationship among these physical quantities. सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं। सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, सो इट विल बी रो टू द पावर ए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट विल जी टू द पावर बी। एंड हाइट, सो एच टू द पावर सी। हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है, एंड देन हम पुट कर देने हैं। सो वही इक्वेशन होगा, वही रिलेशन होगा। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल्स टू के रो जी एच, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। पी इज द प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? सो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, कैसे फाइंड करेंगे? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इट इज एम एल टी माइनस टू ओवर एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। सो इट विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। This is equals to k density. Density क्या होता है? Mass per unit volume. So it is ml minus 3 to the power a, lt minus 2 to the power b, and l to the power c. k m to the power a, l to the power minus 3a, प्लस बी एंड प्लस सी, और टी का पावर क्या आएगा? माइनस टू पी टू बी। सो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड, we get a is equals to 1 minus 3a plus b plus c is equals to minus 1 and minus 2b is equals to minus 2, therefore b is equals to plus 1. Putting the value of a and b, in second we get, इन दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें c का वैल्यू पता चल जाएगा। Therefore minus 3 into 1 plus 1 plus c is equals to minus 1. Minus 3 into 1 plus c is equals to minus 1. So, ये कितना हो गया? माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, और माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर सी इज इक्वल टू प्लस टू माइनस वन, दैट इज प्लस वन। सो ए बी और सी तीनों का वैल्यू हमें कितना मिला? वन।
सो रिलेशन क्या